नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी आप तमाम सब्सक्राइबर्स का आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की जो वैकेंसी है उसके लिए तमाम सारे आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हम पर भरोसा दिखाया और वो सब लगातार हमारे इस वेबसाइट के माध्यम से जो हमारी बैचेस चल रही है उस पर आप सब लोग लगातार शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान अपनी गुणवत्ता के लिए आप सबको सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से तटस्थ है। आलोक सर के कुशल मार्गदर्शन में सारी बैचेस आपकी जो संचालित की जा रही है, रवि सर का एक प्रॉपर नेतृत्व इन सब चीजों को अच्छी तरह से गवन कर रहा है और इस सब चीज के लिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब पूरी तरह से साक्षी और लगातार आप सब चैनल से जुड़े रहे। हम सब सभी विषय विशेषज्ञ अपने अपने विषय के माध्यम से आपसे पब्लिकली और जो है बैच में पूरी तरह से इंटरेक्ट करते हैं और जो भी समस्याएं होती है उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम सब लोग लगातार बीच बीच में जैसे हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ क्लासेस हम लोग क्योंकि समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम सबके साथ होती है और हम सब जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से बधे होते हैं, इस वजह से कुछ समस्याएं होती है कि हम डेली नहीं आ सकते, लेकिन बीच बीच में हम लोग आने का प्रॉमिस करते हैं कि कुछ ना कुछ टॉपिक जो सबके लिए उन सबके लिए भी जो हमसे नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहे। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं जिससे कि तमाम सारे लोग अभी बैच से जुड़ना चाहते हैं और उनको प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग की भूमिका है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि आपको सुविधाएं प्रोवाइड करें, आपको जानकारियां दे जिसके माध्यम से आप बैच में आकर के जुड़ सकते हैं। हम लोग की तरफ से एक नंबर संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है जो ऑथेंटिक नंबर है और इसी नंबर पे ही हम लोग की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है जो तमाम सारे लोग ले सकते हैं। अब अपने फोन में व्हाट्सएप तमाम सारे लोग चलाते हैं और सब लोग व्हाट्सएप जनरली चलाते हैं, तो व्हाट्सएप में आप इस नंबर को सेव करिए। आप पहले कॉन्टेक्ट में जाकर के अपने इस नंबर को सेव करिए। नंबर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 8382955694। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, 8382955694। जब आप सेव करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे बीईओ एंट्री या एंट्री फॉर बीईओ करके इस नंबर पर मैसेज करेंगे हमारे संस्थान के थ्रू, जो हमारे संस्थान के तमाम एग्जीक्यूटिव से आपसे पूरी तरह से संपर्क करेंगे और जो भी संभव सुविधाएं होगी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर मैथ्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि थंबनेल में दिया गया है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आज इस टॉपिक की जितनी भी टेक्निकलिटी है और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होने की उम्मीदें हैं, जो भी आती है जनरली, उसको दूर करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे कि तमाम सारे टॉपिक्स को आप लोग पढ़े हैं और समझे हैं, उसी प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मैथ्स का होता है जो कि औसत चाल, एवरेज स्पीड। हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जब हम भी एकेडमिक में थे तब इसको पढ़ते थे तो बड़ा डर लगता था इस टॉपिक को पढ़ने से, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको फेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यह चैप्टर एक चैप्टर का कम्बिनेशन नहीं है या दो चैप्टर का कम्बिनेशन है। दो चैप्टर आप देख रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज औसत नजर आएगा, दूसरा चाल नजर आएगा। अगर हम सब लोगों ने एकेडमिक में भी औसत और चाल के बारे में पढ़ा है, इतनी तो जानकारी हम सबको होती है कि औसत को योग बटा संख्या कहते हैं, औसत को योग बटा संख्या कहते हैं, जबकि चाल को दूरी बटा समय कहते हैं। हम सबको अच्छी तरह से पता है, दो नए नए शब्दों से मिलकर के कंबाइंड शब्द बना हुआ है, दूरी बटा समय कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि औसत एक अलग शब्द है, चाल एक अलग शब्द है, दोनों को मिक्स करके एक नए चैप्टर का रूप दिया गया जिसका नाम है औसत चाल। औसत की बात मैं करूंगा तो औसत को योग बटा संख्या कहेंगे, जबकि चाल को हम लोग दूरी बटा समय कहेंगे। इसलिए कभी कभी जैसे हम लोग औसत मान लीजिए किसी भी कॉम्बिनेशन का प्राप्त करते हैं, लाइक अगर हमें किसी एक ग्रुप के उनके मार्क्स दिए गए हैं, कोई क्लास के स्टूडेंट हैं, या कहीं किसी ग्रुप की टोटल आयु दी गई है, आयु का औसत निकालने लगते हैं, भार का औसत निकालने लगते हैं, तो हम लोग जितना भी मान दिया रहता है सभी मानों को जोड़ देते हैं, जोड़ करके संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग औसत प्राप्त करते हैं। कभी कभी कुछ छात्र कंफ्यूजन बस इस तरह के प्रॉब्लम को भी जो है बड़ा ही मतलब इस टाइप की अगर प्रॉब्लम उनको दी जाती है तो इस कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। क्या करते हैं कि वो अगर हम तमाम हम चाले दे रखे हैं, सपोज करिए हमने कहा कि कोई एक सर्टेन जर्नी, आप सबको अच्छी तरह से पता है कोई भी यात्रा एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर नहीं की जा सकती है, अलग अलग दूरियों को अलग अलग चालों से तय किया जाता है, अलग अलग पड़ाव को अलग अलग स्पीड से तय किया जाता है। मान लीजिए आपको वेरियस स्पीड दी गई है, कई सारी चाले आपको दी गई है और आपसे कहा जाए औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो कभी कभी कुछ कंफ्यूजन बस करते हैं कि चालों को जोड़ करके संख्या से मतलब जितनी चालें उनसे डिवाइड कर देते हैं तो पूरी तरह से उत्तर आपका गलत हो जाता है। इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं औसत चाल की डिफिनेशन दूंगा। मैं औसत चाल के बारे में यही बताऊंगा आप सब लोगों को समझ करके चलिएगा कि औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी
बटा कुल लगा समय, बटा कुल लगा समय। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी कभी कोई एक यात्रा हम तय करेंगे, उस यात्रा में कुल तय की गई दूरी को कुल लगे समय से अगर हम भाग देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त होगा, जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अब आप सबको जो एक प्रॉब्लम फेस हम करते हैं लाइफ में, जब हम किसी यात्रा को कवर करते हैं, किसी यात्रा को तय करते हैं, सपोज करिए एक स्थान ए से स्थान बी तक की किसी सर्टेन जर्नी को आप कवर करने जा रहे हैं, स्थान ए से स्थान बी तक की एक सर्टेन जर्नी को आप कवर करने जा रहे हैं, उस पूरी जर्नी को आपने कुछ इंस्टेंसेस, कुछ पड़ाव में ब्रेक कर रखा है। आप यहाँ से सबसे पहले यक्स तक गए, यक्स से फिर वाई तक गए, इस प्रकार से आपने बी तक की फाइनल डेस्टिनेशन अचीव कर ली, फाइनल यात्रा आपने कवर कर ली। आपने देखा कि यहाँ से ए से लेके यक्स तक की दूरी को हमने देखा कि डी वन बोला गया, यक्स से वाई तक की दूरी को डी टू बोला गया, जबकि वाई से बी तक की दूरी को डी थ्री बोला गया। आपने नोटिस किया कि आपको यहां से यहां तक की दूरी को आपने यस वन चाल से चलकर तय किया, जबकि यक्स से वाई तक की दूरी को आपने यस टू चाल से चलकर तय किया, जबकि वाई से बी तक की दूरी को आपने यस थ्री चाल से चलकर तय किया। मतलब अलग अलग पड़ावों को अलग अलग चालों के माध्यम से आपने कवर किया। अब जैसा कि नियम बताया गया है, अब देखिए कंफ्यूजन की बात यहाँ पर लोगों को तब आती है जब आपसे कहा जाता है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आपकी औसत चाल क्या थी। तो आपने सोचा कि जब मेरे पास वेरियस चाल है, मतलब स्पीड है, यस वन है, यस टू है, यस थ्री है, तो क्यों ना हम सभी चालों को जोड़कर संख्या से भाग दे दें तो औसत चाल प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा करने पर पूरी तरह गलत हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस फार्मूला आपको बताया गया। फार्मूले में लिखा गया है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। अब आप अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड होगा कुल तय की गई दूरियां। दूरियां क्या होंगी बताइए, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, कुल तय की गई दूरी हो गई। समयों की बात करिए तो आपको मिलेगा समय टी वन, बट इस टी वन को प्राप्त करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डी वन अपान यस वन। कैसे बताइए, दूरी बटा चाल। इसी तरह से आप समय टी टू को ज्ञात करेंगे तो आएगा आपका डी टू बटा यस टू। इसी तरह से आप टी थ्री को अगर ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा डी थ्री अपान यस थ्री। अब आप देखिए नियम के मुताबिक आपको करना क्या पड़ेगा, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। समयों की बात करिए तो हमारे पास डी वन अपान यस वन प्लस डी टू अपान यस टू प्लस डी थ्री अपान यस थ्री। आप इस तरह से चल करके यहाँ पर कुल तय की गई दूरी को कुल चाल, कुल लगे समय से जब डिवाइड करेंगे तब जाकर के कहीं एवरेज स्पीड फाइंड होती, औसत चाल पता चल पाती है। तो एक लंबा टास्क है औसत चाल को ज्ञात करने को, अगर हम लोग चाहते हैं तो एक लंबा टास्क हमें फेस करना पड़ता है, एक लंबा वर्क करना पड़ता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम से बचने की कोशिश हम लोग करेंगे। जो भी ये समस्याएं हमारे सामने आती है, हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बेसिक से होते हुए इन तमाम समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे। आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे, मैं आपको बता दूं तीन कैटेगरी के प्रश्न दिए जाएंगे। पहली कैटेगरी में देखिए कभी भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं दिया जाएगा जो डायरेक्ट फार्मूले पे फिट होगा। डायरेक्ट फार्मूला मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कभी ऐसा प्रश्न नहीं दिया जाएगा कि तय की गई दूरियां दे दे और लगे समय दे दे तो औसत चाल निकालना मेरे लिए आसान हो जाए, ऐसा नहीं देगा। आपको दूरी के साथ समय ना देकर के चाल दिया रहेगा, तय की गई दूरियां और चालें दिया जाएगा अलग अलग। दूरी प्लस चाल दिया रहेगा तो जाहिर सी बात औसत चाल निकालने के लिए आपको समय की रिक्वायरमेंट होगी। या तो आपको चाल के साथ आपको समय दिया गया होगा, चाल के साथ आपको समय दिया होगा, फिर एक प्रॉब्लम आई कि हमको यहाँ पर दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी तब हम जाकर औसत चाल निकाल पाएंगे। जैसा हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको दूरी और चाल देकर के औसत चाल पूछेगा या चाल और समय देकर के औसत चाल पूछेगा। कभी भी डायरेक्ट प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको कुल तय की गई दूरियां दे दिया जाए और कुल लगे समय दे दिया जाए, तो उस प्रकार का प्रश्न आपके यहाँ नहीं दिया जाएगा, नहीं तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब आपके यहाँ जो पहली कैटेगरी का प्रश्न पूछा गया देखिए कुछ इस प्रकार से, टाइप वन टाइप का जो प्रश्न आपके यहाँ जो पूछा गया कुछ इस प्रकार से, कहा गया एक सर्टेन दूरी थी, देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक सर्टेन दूरी थी स्थान ए से स्थान बी तक की, मान लीजिए किसी एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी थी। अब इस दूरी को जब तय किया जाने लगा तो पता चला पहले स्थान यक्स तक की दूरी जो हमने नोटिस किया, पता चला यह 80 किलोमीटर की थी। पहले स्थान ए से लेकर के यक्स तक की दूरी 80 किलोमीटर की थी, यक्स से वाई तक की दूरी हमने देखा कि 120 किलोमीटर की थी, यक्स से वाई तक की दूरी 120 किलोमीटर की थी, जबकि वाई से जेड की दूरी हमने देखा कि 60 किलोमीटर की थी। इस तरह से तीन दूरियां आपको अलग अलग दे रखा है। अब आप देखते जाइएगा, यह प्रश्न थ्योरी के माध्यम से आपको दिया जाएगा कि एक स्थान ए से बी तक जाने में तीन अलग अलग पड़ावों के बीच की दूरियां क्रमशः 180 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर हैं।
जिन्हें चालों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग चालें हैं ध्यान दीजिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा फिर से कहा गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर से हमने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया गया। हमसे इस प्रश्न में पूछा गया कि बताइए इस प्रश्न के दौरान औसत चाल क्या थी, औसत चाल क्या थी। अब इस औसत चाल को जब हम ज्ञात करना चाहते हैं तो आप देखिए आपकी फार्मूले की रिक्वायरमेंट जो है, जैसे आपको फार्मूला पता है कि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यह नियम होता हम सबको अच्छी तरह से पता है। उसके हिसाब से अगर चले तो दूरियां आपको पता ही है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम चालों की बात करें तो चालें दी गई है, ना कि हमको समय दिया गया है। तो आप अगर समयों को फाइंड करेंगे तो आपको पता है 80 बटा आपको 50 करना पड़ेगा, इसी तरह से 120 बटा आपको 40 करना पड़ेगा, 120 बटा 40 करना पड़ेगा और 60 बटा 50 करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन का विषय बनेगा क्योंकि सारे समय आपके इंटीजर में नहीं है, फिर भी बहुत आसान डेटा है। अगर मैं आपको इस कंपेटेबली कहूं तो आसान डेटा अभी भी बहुत टफ डेटा नहीं है। तो आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप क्या करोगे कि हम एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे। कुल दूरियों की बात करें तो आप लिखोगे 80 प्लस 120 प्लस 60 डिवाइडेड बाई, यहां पर अगर देखा जाए तो 8/5 होगा, प्लस अगर इसकी बात करा जाए तो यह इंटीजर बन रहा है 3 होगा, प्लस इसकी अगर हम बात करें तो 6/5 होगा, 6/5 होगा। अगर हम जोड़ दें सबको तो देख लीजिए आपके सामने है, यहां पर 120 और 80 मिलकर 200, कुल मिला के 260, 260 किलोमीटर की जर्नी थी। 8/5, 6/5 मिलकर 14/5 हो गया, 14/5 हो गया, जबकि इसमें हमारे सामने 3 जोड़ना है, 5 या 15, 29/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29/5। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 29/5, तो जाहिर सी बात है 5 ऊपर चला जाएगा 0, 5 संख 30 होता है, 5 दुना 10, 10 3 1329 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एक लॉन्ग प्रोसेस था, आपने अगर देखा इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक बड़ा मेथड है। हम लोग ऐसे तमाम प्रश्नों को जब सॉल्व करते तो कुछ आसान करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे लेक्चर को ध्यान से एंड तक देखिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के दौरान। अब आप देखिए, कभी इस टाइप की प्रॉब्लम मिले तो हमें थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम थी, आप एक बार मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूंगा, देखिएगा सब लोग। यहाँ पर एक स्थान ए से स्थान एक्स तक की दूरी को, जो कि 80 किलोमीटर की थी, यहाँ से एक्स से वाई तक की दूरी को, जो कि आपके पास 120 किलोमीटर की थी, इसी प्रकार यह दूरी आपकी 60 किलोमीटर की थी। आपने अलग अलग चालें आपकी, सबसे पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद आपने देखा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद फाइनली फिर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चालें। अब आपको करना क्या है इस प्रकार की जर्नी के दौरान, इस प्रकार की जर्नी के दौरान आप सबसे पहली चीज, जब इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आपको ध्यान देना होगा। और आप करेंगे क्या, आप दूरियों को सबसे पहले अनुपात में बना दीजिए। अब अगर आप इसको काटते हैं तो आप देखिए 20 × 80 होता है, 20 × 120 होता है, 20 × 60 होता है, यह दूरियां 4, 6 और 3 के अनुपात में बन गई। दूसरी बात, जो हमारे पास चालें हैं 50, 40 और 50 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो प्रत्येक से कट जाए, तो जाहिर सी बात वह संख्या आपके सामने अगर इधर के हिसाब से देखा जाए तो 200 होगी। 200 क्योंकि 50 के टेबल में भी आ जाएगी, 40 के टेबल में भी आ जाएगी, फिर से 50 के टेबल में आ जाएगी। यह 200 को अब आपको करना होगा इससे गुणा, लिखिए 200 गुणा कर दीजिए, इससे भी कर दीजिए गुणा और इससे भी कर दीजिए गुणा। इससे देखिए फायदा क्या होगा कि जो आपकी एवरेज स्पीड जब आप फाइंड करोगे तो आपको एवरेज स्पीड के दौरान भिन्न नहीं फेस करना पड़ेगा। कैसे करना होगा देखिए, 4 × 800 प्लस 6 × 1200 प्लस 3 × 600 डिवाइडेड बाई, अगर आप जाएंगे जब आप इसको 50 से डिवाइड करिए, 50 × 4 देखिए होगा, 4 × 4 = 16 हो गया, प्लस 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 40 × 5 = 200, 5 × 30 हो गया, प्लस फिर 50 से करेंगे 50 × 4 = 200, 5 × 4 = 12 हो गया। अब आप इसको पूरा अगर ऐड कर देंगे तो आपके सामने देखिए 12 × 8 = 20, मतलब 2600 अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 16 × 12 = 28 और ये 58 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 1300 बटा आपका देखिए यहाँ पर 29 हो गया। जैसे पिछले प्रश्न में देखिए यही सेम कॉन्सेप्ट 1300/29 आया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपके सामने देखिए 1300/29 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ पर चाल हो गई। इस तरह से हम कर पाएंगे।
अब इसी पर एक प्रश्न और मैं आपको दिखाता हूं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर यह चीज आपको समझ में आई है तो वह भी चीज आपको समझ में आएगी, पूरा उम्मीद है। इसी टाइप से हम इसका उपयोग देखिए कितने अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी स्थान x से स्थान y तक की, स्थान x से स्थान y तक की 39 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया, जबकि y से z तक की 52 किलोमीटर तक की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया। अब आपसे देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए। कॉन्सेप्ट आपका देखिए कितना यूजफुल होगा अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब आप अगर इसको बेसिक फार्मूले से करेंगे तो आप कभी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए 13 × 39 कर दीजिए, 13 × 4 = 52 कर दीजिए। 15 और 18 के लिए एक संख्या हमने ढूंढा तो हमें 90 मिला, 90 15 से भी कट रहा था, 18 से भी कट रहा था। इसके लिए देखिए कितना अच्छा हो जाएगा अगर हम इसको 90 से गुणा कर देते, 270 हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको भी 90 से गुणा कर देते, अभी आपका 360 हो गया। अब डिवाइडेड बाई में जाइएगा तो 15 × 90 एक तरह से 6 × 3 = 18 हो गया। आप देखते जाइएगा, जैसे 15 × 90 होता है, 6 × 3 = 18 हो गया, प्लस आपके सामने यहाँ पर 18 × 5 = 90 होता है, 5 × 20 हो गया। तो आपको अगर हम इसको जोड़ देते हैं आसानी के साथ तो हमारे सामने देखिए 0, 6, 3, 7, 7, 6, 13 कैरी, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 630 बटा आप यहाँ पर 38 कर सकते हैं। एक और बार कैंसिल करेंगे, देखिए 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 315 / 19 किलोमीटर प्रति घंटा यह औसत चाल हो जाएगी। आप देखिए क्या किए, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ जिनको भी जो नए देख रहे हैं, और आप लोगों से पूरी उम्मीद करूंगा कि इसको खूब गहनता के साथ समझिएगा। आपको जो अलग अलग दूरियां दी गई जितना संभव हो उनको काट करके एवरेज औसत निकाल दीजिए। औसत मैंने देखा 3-4 का बनकर आया। जो चालें अलग अलग दी गई उन चालों का भी आप जो है यहाँ पर एक ऐसी संख्या आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ है जो संख्या प्रत्येक से कट जाए मतलब उनकी एलसीएम हो। उस 90 को अगर इस 3 से गुणा करेंगे 270, 90 को अगर 4 से गुणा करेंगे 360, 90 को 4 से गुणा करेंगे 360। अब आपको क्या करना है बताइए, 270 रखिए प्लस 360 रखिए, 270 रखिए प्लस 360 रखिए, डिवाइडेड बाई आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अब आप देखिए, क्योंकि यह तो चाल है ना, इस चाल से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 90 6 × 3 = 18 रख दिया, 18 से डिवाइड 18 × 5 = 90 5 × 20 कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर हमारे सामने है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरी कैटेगरी का जो प्रश्न हमारे यहाँ बनेगा टाइप 2, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद उसकी भी है। अब देखिए, एक प्रश्न, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी प्रश्न में आपको जो क्वेश्चन के फार्मूले की रिक्वायरमेंट है उस तरह के ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा। जैसे पिछले प्रश्न में अभी आप जो कर रहे हैं उसमें देखिए आपको दूरी पता थी और आपको चाल पता थी, जबकि फार्मूले में रिक्वायरमेंट दूरी और समय की है। दूसरी बार मैंने कहा आपको चाल देगा और समय देगा, आप सोचिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट दूरी की है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर भी एक प्रकार का प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा सकता है, स्थान ए से स्थान बी तक की, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो स्थान ए से स्थान बी तक की दूरी को, दूरी अभी कितनी है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, स्थान ए से स्थान बी तक की दूरी को इसने कहा दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इसने कहा 35 मिनट में तय किया, 35 मिनट में कवर कर लिया। हमसे कहा गया एक व्यक्ति है जो कि स्थान ए से स्थान बी तक की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 35 मिनट में तय किया, जबकि बी से सी तक की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक घंटे में तय किया। अब हमसे पूछा गया कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड बताइए। अब देखिए कंफ्यूजन का फिर एक कॉन्सेप्ट आया, मैं नियम के आधार पर कुल तय की गई दूरी निकालना था, चाल गुणे समय से इसके बाद कुल लगे समय से डिवाइड करते तो उत्तर आता, जो कि एक कंफ्यूजन का विषय आपके लिए बन जाता। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले, जैसे 35 मिनट है, 1 घंटे = 60 मिनट होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब ऐसी दशा में सबसे पहले इस समय का अनुपात बनाइए, पिछले में आपने किसका अनुपात बनाया था, दूरी का, अभी यहां समय का बनाना होगा, 5 × 35 होता है और आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, सॉरी 5 × 35 हो गया, 5 × 60 हो गया, 12 हो गया। अब आप देखिए यहां पर 5 × 35 हुआ, 5 × 60 हुआ। अब आपको सबसे पहली चीज दूरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे इसको गुणा करेंगे 280, इसको इससे गुणा करेंगे 12 × 5 = 60, 600,
डिवाइड करेंगे आप 12/7/19 से। अब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए 0, 0, 0, 8 और 6, 2, 8, 880/19 कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 880/19 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कैसे किया ध्यान दीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर क्या करना था, 35 मिनट था या 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 5 से डिवाइड किया 7, 5, 12। अब आपको यहां पर क्या करना, इसको हमने समय मान लिया जो समय अनुपात में बन गया। अब इस समय से आप इसको गुणा करेंगे, 280 से गुणा किया, 12 × 5 = 60, 600। समय दोनों यहां पर जो अनुपातिक समय थे उनको जोड़ करके डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 280 + 600 अगर हमने किया तो आपका 880 हो गया, बटा हम लोग 19 कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपकी जो है औसत चाल ज्ञात हो गई। इस पर एक प्रश्न और हम करा रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक व्यक्ति स्थान एक्स से स्थान वाई, स्थान एक्स से स्थान वाई तक की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 मिनट में तय करता है, 23 मिनट में तय करता है, जबकि y से z की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी 23 मिनट में ही तय करता है। अब इसमें भी हमसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए। देखिए प्रश्न आप समझ गए होंगे, अगर आप लोग सीरियसली समझ रहे सारी बातों को, तो क्या कहा गया इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। कहा गया एक व्यक्ति स्थान एक्स से स्थान वाई तक की 35 किलोमीटर की दूरी को 23 मिनट में तय करता है, जबकि वाई से जेड तक की दूरी को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही 23 मिनट में तय कर लेता है। उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप यहां पर चालें देख रहे हैं सेम नेचर में, मिनट मिनट में है, 1:1 का बन गया। अब जब एक बना है तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यह डायरेक्ट 35 लिखा जाएगा या डायरेक्ट 40 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो आपका 75/2 हो गया, मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई। ऐसे प्रश्न टिपिकल माने जाते हैं, जो कि आप अगर चाहेंगे थोड़ा सा दिमाग बुद्धि विवेक लगा करके बड़े आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। एक तीसरे कैटेगरी की बात हम लोग करेंगे, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, आपको ध्यान दिलाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत फेस किया होगा, हम लोग भी बचपन में ऐसे प्रश्न फेस करते थे। कहते थे एक छात्र है किसी स्थान, मतलब अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो आपको पता है कि स्कूल से घर जाना या घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, दोनों दौरान समान दूरियां तय की गई। या तो व्यक्ति है जो अपने घर से कार्यालय जाता है, कार्यालय से घर आता है, दोनों दौरान समान दूरियां तय करता है, आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर ऐसी स्थिति है तो वह अलग अलग चालों से दोनों दूरियों को तय किया तो औसत चाल आपसे पूछा जाता है, मतलब समान दूरियों के लिए। जब समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या रहेगा, समान दूरियां रहेंगी, समान दूरियां हैं और चालें अलग अलग हैं, चालें अलग अलग हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आप उसके लिए औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, मैं एवरेज स्पीड ज्ञात करने का आपको तरीका बता रहा हूं। पहली कंडीशन में एक सिंपल सा प्रश्न, जिसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी किताबों में फार्मूला लिखा हुआ है और फार्मूला अक्सर लोग बताते भी हैं और बताया भी जाता है, हम लोग भी बताते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, हम लोग भी क्लास में फार्मूला जरूर लिखते हैं कि फार्मूला भैया इस तरह के प्रश्नों को आप लोग फेस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन फार्मूला कब तक याद करेंगे, दो दूरियों को तय करने के लिए, कि तीन दूरी को तय करने के लिए, चार दूरी को तय करने के लिए, आप हर एक लेवल के लिए आपको अलग अलग फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे अगर आप फार्मूले की मदद से ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या होगा। यहाँ पर कहा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक घर है किसी छात्र का, पहले मैं 2 पे लेता हूँ फिर इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। घर है, एक छात्र है जो अपने घर से अपने विद्यालय, अपने स्कूल एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल, मान लीजिए मैंने कहा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, घर से स्कूल वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, परंतु वह स्कूल से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है चाहे घर से कोई स्कूल जाए या स्कूल से चाहे कोई घर आए, ऐसी दोनों दशाओं में समान दूरियां तय करनी होगी। तो दूरी को कुछ लोग मान कर लेते हैं, कहते हैं कि चलो दूरी x मान ले जाना और x मान ले आना, आने जाने में लगा समय, टोटल दूरी बटा टोटल समय, आंसर हो गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि दोनों चालों को अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो एक नियम होता है यहाँ पर ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी, आप इस पर भी रखकर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, इस पर रखकर ज्ञात करने का मतलब जैसे 2 पर है, 2 चालें केवल, हम तो कहेंगे 2 नहीं, 3 चाल, 4 चाल, आपको चाहे जितनी चालें दी जाए आप प्रत्येक के लिए उत्तर कर पाएंगे, लेकिन आपको जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उत्तर आएगा। कैसे,
यहां पर आपने देखा कि दूरियां समान है स्कूल से घर की और घर से स्कूल की। ऐसी दशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आप एक ऐसी दूरी डिसाइड कर लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो मतलब दोनों से कटने के लिए आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो कि दोनों के पहाड़े में आती है, जैसे उनका मतलब है, कहने का अर्थ है कि दोनों का लासा। तो दूरी हो गई 60 किलोमीटर स्कूल से घर की, घर से स्कूल की दूरी को हमने कितना मान लिया 60। तो 60 जाना और 60 आना, अब आप देखिए 60 जाना और 60 आना, तो मतलब कुल दूरी जो तय की गई एवरेज स्पीड के दौरान वह 2x60 तय की गई। कितना तय की गई? 2x60। अच्छा, जाने में लगा समय 15 से 60 को डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 4 घंटा। देखिए कितना घंटा? 4। आने में लगा समय 20 से 60 को डिवाइड कर दीजिए 3 घंटा, 4 3 कर दीजिए 7, 4 प्लस 3 कर दीजिए 120/7। 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो अपने हिसाब से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से 15 7 16 7 112, 7 सही 8 बटा, आप अपने हिसाब से करके, या 16 सही 8 बटा आप 7 या जो भी आपका बन जाए, 17 7 119 होता है तो 17 सही 1 बटा आप अपने हिसाब से 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल बन जाएगी। तो कहने का अर्थ ये था कि यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा जो भी आपको चालें दी गई हैं उन चालों को देखकर एक संख्या डिसाइड करिए, उसको दूरी मानिए जो प्रत्येक चालों से पूर्णतः कट जाए। अब उसको देख करके जितनी बार हम यात्रा को तय किए हैं उतने से गुणा करके हम दूरी डिसाइड कर दें। और मैंने कहा कि आप इनसे जो चालें हैं इनसे इसको डिवाइड करके समय निकाल सकते हैं, टी हो गया आपका समय हो गया, और इन टोटल समयों से डिवाइड कर दीजिए, उत्तर आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसी तरह का प्रश्न एक और हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि एक स्थान ए से एक स्थान बी तक एक व्यक्ति क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जबकि वह स्थान बी से स्थान सी तक की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, जबकि वह स्थान सी से स्थान डी तक की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। किसी ने हमसे बताया कि जो ए बी है वो बराबर बी सी है, वो बराबर सी डी है, मतलब प्रत्येक दूरियां समान है। अब देखिए सोचिए दूरी तीन हो गई तो मतलब चाल भी तीन है आपके पास। हमसे पूछा गया इस पूरी जर्नी के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी। अब एवरेज स्पीड देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, आप समझने की सब लोग कोशिश करिएगा, और अगर समझ में आया तो आप अप्रिशिएट करिएगा, इस चीज हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी सारी की सारी। ऐसी दशा में देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा तीन चालें मेरे पास हैं। एक संख्या डिसाइड करिए जैसे अभी किया हम लोगों ने, यहां पर भी 60 ही हो रहा है, एक संख्या इन तीनों के लिए 60 हो रही है, आपको स्पष्ट होगा। अब आप सिंपल सा क्या कर दीजिए, 3x60 क्योंकि तीन दूरियां हैं, डिवाइडेड बाई समय निकालिए, 10 6 60 6 लिख दीजिए, 15 4 60 15 4 60 देखिए 6 आया था 4 आया था, 4 लिख दीजिए प्लस, सॉरी 15 4 60 20 3 60 तीन आया होगा, 3 कर दीजिए तो आपका हो गया 180/13, 6 4 10 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका आंसर हो जाएगा 180/13 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने हिसाब से उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना हम लोग कर सकते हैं। 180/13 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर औसत चाल हो जाएगी। सिंपल सा अप्रोच है, आप एक संख्या डिसाइड करिए जो 10 15 और 20 से कटा हुआ हुआ 60, 60 से 60 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 6, 15 से किया तो 4 और 20 से किया तो 3, तीन दूरी थी 3x60 किया बटा हमने समयों से यहाँ पर भाग दिया, उत्तर आपके सामने है और आप सब समझ रहे हैं। एक प्रश्न इस पर और मैं करूंगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन में एक वर्गाकार मैदान है, अब जैसे ही वर्गाकार मैदान का नाम आया तो एक ऐसे आयत का निर्माण हुआ जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है। एक वर्गाकार मैदान है, एक व्यक्ति इसके एक कोने ए से यात्रा प्रारंभ करता है, उसके एक कोने से दूसरे कोने बी तक वह जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी से वह सी तक जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सी से वह डी तक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि वह डी से ए आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपने देखा डी से फिर ए पे पहुंच गया, क्वेश्चन ऐसे बनाकर आपके एग्जाम में दिया गया कि एक वर्गाकार मैदान के किसी एक कोने से एक व्यक्ति एक यात्रा प्रारंभ करता है, पहले कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरे से तीसरे की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसी क्रम में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रत्येक भुजाओं को कवर कर लेता है, तय कर लेता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, आपसे पूछा गया है। अब इस प्रश्न को भी हम सेम अप्रोच से करेंगे। अब आपके पास चार चालें हैं, सोचिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर याद करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको फार्मूला, आप लिखिए 10 20
30 और 40, चार चाल हैं। प्रत्येक के लिए एक संख्या जब मैंने प्लान किया तो मुझे पता चला 120 परफेक्ट है, 120 परफेक्ट, 120 प्रत्येक से कट जाएगी इसलिए हमने 120 ले लिया। आप एवरेज स्पीड जब फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे 4 × 120, बटा समयों की बात करिए 10 से डिवाइड करिए 12, 20 से डिवाइड करिए 6, 30 से किया तो 4 और 40 से किया तो 3, तो 480 ऊपर हो गया। नीचे की तरफ अगर हम चले 12 6 18 4 22 3 25, अब आप अगर एक बार काट सके तो काट, 12 6 18 4 22 3 25, 5 5 25 होता है, 5 9 45, 5 6 30, 96/5 हो गया, 96/5, 19 5 95, 19 = 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल थी जो उसने स्वर्गाकार मैदान के चारों तरफ की दूरी को तय किया था। मुझे लगता है कि आप सब चीजें समझ पाए होंगे जो मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की। हम लोग अपना जो भी 100% होता है देने की पूरी कोशिश करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बताया हुआ अगर एक भी व्यक्ति को समझ में आया तो मेरा यह प्रयास सार्थक है, बस इतना ही मैं कहता हूँ और यही आज भी कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि हम सबको पूरा जो है तो पूरी इस सृष्टि को समझा देंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी समझ पाता है तो समझ लीजिए मेरा प्रयास सार्थक है। और इसी उम्मीद के साथ कि यह प्रयास सार्थक है हम लोग लगातार मिलते रहेंगे आपको, जैसे मैंने बताया पब्लिकली या आपकी बैच में, बैच के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन शुरू में दी आप उसको एक बार नोटिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग किसी एक टॉपिक के साथ बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।